हनीप्रीत पुलिस की गिरफ्त में आ गई है, यह बहुत अच्छा हुआ। जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ, अब सारा सच भी सामने आएगा। यह कहना है हनीप्रीत के मामा अशोक बब्बर का। साध्वी यौन शोषण मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की गोदली बेटी हनीप्रीत को जैसे ही मंगलवार दोपहर 3 बजे चंडीगढ़ के पास पंजाब के मोहाली जिले के जीरकपुर से पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो उसी वक्त सिरसा में रहने वाले हनीप्रीत के मामा अशोक बब्बर से दैनिक भास्कर ने सीधी बात की। हनीप्रीत के भाई ने बोली ये बात। डैश जब अशोक बब्बर से पूछा गया कि हनीप्रीत पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, डैश अशोक बब्बर ने कहा आज सुबह 9 बजे से ही टीवी चैनल में हनीप्रीत के बारे में खबर और इंटरव्यू आ रहा था। तभी से यह आभास होने लगा था कि हनीप्रीत अब जल्द ही हाईकोर्ट में सरेंडर करेगी या पुलिस की गिरफ्त में आएगी। डैश आखिरकार पंचकूला पुलिस की टीम ने हनीप्रीत को पंजाब पुलिस की मदद से अपनी गिरफ्त में ले लिया। जो कुछ भी हुआ है वह अच्छा ही हुआ है, अब मामले का सारा सच भी सामने आने लगेगा। मामा और विपासना ने हनीप्रीत को सरेंडर करने की दी थी सलाह। देश बता दें हनीप्रीत के मामा अशोक बब्बर और चचेरे भाई विजय तनेजा ने बीते माह हनीप्रीत को मीडिया के माध्यम से सरेंडर करने की सलाह भी दी थी। देश इतना ही नहीं, डेरा की चेयर पर्सन विपासना इंसा ने तो जब से हनीप्रीत और डेरा प्रवक्ता आदित्य इंसा व अन्यों के खिलाफ केस दर्ज हुआ और फरारी हुए तभी से ही मीडिया में बयान जारी कर कहा था कि हनीप्रीत और आदित्य इंसा को न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए सरेंडर कर देना चाहिए। देश 39 दिन के बाद हनीप्रीत आखिरकार सरेंडर करते करते रह गई और पुलिस के हत्थे चढ़ गई। लेकिन डेरा प्रवक्ता आदित्य इंसान व अन्य फरारी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बचे हुए हैं। देश हालांकि हनीप्रीत के मामा और चचेर भाई व चाचा का हनीप्रीत से कोई बोलचाल पिछले कई बरसों से ही नहीं है और न ही उनका परस्पर आना जाना है।